हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे आप बिल्कुल आसान तरीके से अपने घर में दम आलू की सब्जी बना सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूं कि दम आलू की सब्जी बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है। क्रश किए हुए टमाटर लेंगे, उसके बाद काली मिर्च, जीरा, हल्दी, इलायची, तेजपत्ता, अदरक, लहसुन की कुछ कलियां, हरा धनिया और उबले हुए आलू। फ्रेंड्स, हमें छोटे छोटे आलू लेकर उन्हें उबाल लेना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें काजू लेना है और लेने हैं कटे हुए प्याज। उसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारे पास उबले हुए आलू हैं, फोक से हमें आलू में छेद कर लेने हैं, जिससे वो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, अंदर से पक जाएंगे, कच्चे नहीं रहेंगे। फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ऐसे ही आपको फोक से आलू के अंदर छोटे छोटे छेद करने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें आलू को तलने के लिए तेल डालेंगे। ये हमने आलू डाले हैं। फ्रेंड्स, हमें आलू को अच्छे से फ्राई करना है ताकि वो कच्चे ना रहे। फ्रेंड्स, हमें आलू तब तक तलने हैं जब तक उनका कलर सुनहरा ना हो जाए। बीच बीच में आलू को हिलाते रहिए, दोनों साइड से हिलाना है ताकि हर एक साइड से पक जाएं, कच्चे ना रहें। उसके बाद फ्रेंड्स, हम फिर से फ्राई पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, उसके बाद जीरा, सौंफ, लहसुन की कलियां, कटी हुई अदरक और तेजपत्ता, इलायची। फ्रेंड्स, ये सब डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सुनहरे लाल होने के बाद फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। मसाला लाल होने के बाद फ्रेंड्स, हम इसमें डालेंगे काजू और उसके बाद कटा हुआ प्याज। थोड़ी देर तक हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई होने के बाद फ्रेंड्स, हमें इनको ग्राइंडर में ग्रेन कर लेना है। देखिए, ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसको जार में डालकर ठंडा होने के बाद इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए, ये हमारे आलू का कलर सुनहरा हो चुका है, ये तलकर तैयार है, कच्चे नहीं है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें फ्राई पैन लेना है, उसमें तेल डालना है। तेल के गर्म होने के बाद हम उसमें जीरा डालेंगे। जीरा पकने के बाद हमें डालना है थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इसमें डालेंगे हमारा ग्रीन हुआ पेस्ट और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, सुनहरा लाल होने तक इसे पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर चेंज हो चुका है, इसका मतलब ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेंड्स, हमारे क्रश किए हुए टमाटर। टमाटो प्यूरी डालने के बाद हम इसे पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये पक चुका है अच्छे से, सुनहरा लाल ये हो चुका है, हमारे टमाटर भी पक चुके हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी दही। दही डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और हिलाते रहना है ताकि दही फटे नहीं, ताकि इसकी करी अच्छी बने। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें इसमें डालना है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से हिला देना है ताकि सारा कलर अच्छे से आ जाए। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें इसमें डालना है एक कटोरी पानी, हमारी करी को अच्छे से बनाने के लिए। अब फ्रेंड्स, हमें इसमें डालना है थोड़ा सा गरम मसाला। अच्छे से मिक्स कर देना है और हमारी प्यूरो को अच्छे से उबलने देना है। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से बन चुकी है, उबल चुकी है, पूरा कलर हमारा अच्छे से आ चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से उबल चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे आलू। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इसमें डालेंगे हमारे फ्राई किए हुए आलू और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, हमें 5 से 10 मिनट तक सब्जी को ऐसे ही उबलने देना है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमें 5 से 10 मिनट तक अपनी करी को उबलने देना है ताकि जो हमने आलू डाले हैं उनके अंदर अच्छे से मसाला चला जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे आलू के ऊपर अच्छे से मसाला चला गया है। और फ्रेंड्स, अब लास्ट में हमें इसमें डालना है हरा धनिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी
दम आलू की सब्जी तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे दम आलू बनकर तैयार है। तो देखा फ्रेंड्स आपने, कैसे आप बिल्कुल आसानी से अपने घर पर दम आलू की सब्जी तैयार कर सकते हैं और अपने किसी भी फेस्टिवल पे अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को खुश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को बहुत सारा लाइक करें, अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।